गाइस ये लेजर की तरह वर्क करेगा और हमें डैमेज देगा, देख सकते हो। जैसे मैं इसके पास हूँ ये मैं लेजर की तरह वर्क कर रहा है, डैमेज दे रहा है। हमें कितनी गंदे देखे डैमेज दे रहा है। तो कैसे आप बचा सकते हो अपने जॉम्बी, जो जॉम्बी होते हैं उस सब कैसे बना सकते हो अपने घर को, मैं बताऊंगा गाइस कैसे बचा सकते हो। गाइस चिंता ही कर रहे हो गाइस, इसमें बहुत तगड़े तगड़े ट्रैप्स हैं जिससे आप जॉम्बीज को ईजिली मार सकते हो अगर कोई आप घर पे अटैक करता है तो। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ट्रैप की तरफ से। तो पैर हमारे जो ट्रैप है उसे बनाने के लिए मैंने एक घर बनाया है, छोटा सा सिंपल सा। यहाँ मैंने एक सिंपल सा घर बना दिया आपको अपना, जैसे ये समझ लो आपका घर है, खोखला घर है हालांकि, पर कोई बात नहीं समझ लो घर है। यहाँ पर क्या करना है आपको, तीन ब्लॉक गड्ढा करना है नीचे की साइड पर, तीन ब्लॉक गड्ढा करना है। ये कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गड्ढा कर लिया है। ये गड्ढा करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, बीच में आपको गड्ढा करना है कोई इस तरीके, दो ब्लॉक का गड्ढा करना है आपको। और दो ब्लॉक का गड्ढा करने के लिए पिस्टन लगाना है और सिंपली यहाँ पे आपको ग्रास लगा देनी है कोई इस तरीके से। और ग्रास लगाने के बाद यहाँ पे घर को गेट खोलना है और अंदर की साइड पे जाके हमें यहाँ पे लगा देना है लेवर और इसे फ्लिक कर देना है। ये फ्लिक करते ही ये ग्रास आगे आ जाएगी और आगे आते ही हमें यहाँ पे लगा देना है स्काफ फोल्डिंग और सारी स्काफ फोल्डिंग को इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बस मैंने एक जगह गड्ढा छोड़ा है और बाकी सब जगह मैंने ये सब भर दिया है पूरा का पूरा। और फिर नीचे क्या फिर लावा डाल देना है। तो मैं देख सकता हूँ मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे लावा भी डाल दिया है, अच्छी तरीके से लावा पूरा का पूरा हो चुका है। ऊपर आके हमें सिंपली यहाँ पे वापस से पूरा का पूरा कवर कर देना है और कवर करने के बाद यहाँ पे मैं लगा देनी थोड़ी सी वॉल्स फिनिशिंग देने के लिए। और यहाँ पे मैं लगा देनी है वॉल्स और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा देना है कारपेट, जो हमारी मॉस कारपेट होती है ये। और ये करने के बाद कैसे आपको पूरा का पूरा बन जाएगा, मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर गाइस आपके यहाँ पे जॉम्बी आते हैं, मैं यहाँ पे जॉम्बी का एग निकालता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बीज आ गए, ये आपके घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, अंदर आना है और ये वाला बस बटन का वो फ्लिक कर देना है। ये अंदर बटन फ्लिक करते गाइस आपके सारे के सारे जॉम्बीज मर जाएंगे और आप आराम से चैन की नींद सो पाओगे। तो ये था हमारा पहला ट्रैप, चलते थे अपने दूसरे ट्रैप की तरफ। अगला मैं ट्रैप तो नहीं गाइस, पर ये बहुत काम की चीज़ है हमारे घर को बचाने के लिए। गाइस हमारे घर को बचाने के लिए काम की चीज़ ऐसे है कि अगर आप वॉल्स बनाते हो गाइस, वॉल्स क्या होते हैं ना, आपके दोस्त लोग आते होंगे और TNT मार के चले आते होंगे, आपकी सारी वॉल्स टूट जाती होंगी। तो गाइस मैं बताता हूँ कि वो वॉल्स कैसे नहीं टूटेंगी। तो उसे बनाने के लिए हम ऐसे करके रखनी है स्टेयर्स। और गाइस ये ऐसी ऐसी वॉल्स नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई क्रीपर ही फटता है ना गाइस तो उसके डैम मतलब एक्सप्लोजन से भी कुछ नहीं होगा। तो ये करने के हमें इसके अंदर ना ऐसे करके लगाने स्टेयर्स और इनके अंदर डाल देना है पानी प्रॉपर तरीके से अच्छे से। और ये करने के बाद वापस से हमें ऊपर साइड पे वापस से लगाना है ऐसे करके। और ये रखने के बाद बस हम सिंपली वापस से पानी डाल देना है और ऐसा आपको जितनी ऊपर तक करना है आप उतनी ऊपर तक कर लो। अब गाइस ऊपर आने के बाद अगर आपको इतनी बड़ी वॉल बनानी है और ऊपर से भी आपको इसे कवर करना ही होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से कवर करने के लिए यहाँ पे सिंपली एक ऐसे करके ब्लॉक रखना है और ब्लॉक रखने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे रखने ऐसे करके स्टेयर्स ये थोड़ा स्टेयर्स मैंने गलत रख दी, इस तरीके से रखनी है हमें स्टेयर्स इस तरीके, आप देख सकते हो जो कि मैंने ऐसी रखी है। हमें सारी सारी स्टेज ऐसी रखनी है और इसके तो हमें यहाँ से इसे ऐसे करना है, इस साइड से भी सेम यही चीज़ करनी है। और यहाँ से ही करने के बाद आप देखोगे ना बीच में आपका गैप आएगा, गैप फिल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे गड्ढा करना है और ये गड्ढा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके इस तरीके से लगा देना है। तो गैप भी हमारा पूरा का पूरा फिल हो जाएगा ऐसे करके, हमें दोनों साइड पे कर देना है इस तरीके से। गैप फिल करने के बाद हमें इनके अंदर भी अच्छे से पानी डालना है गाइस, याद रहे अच्छे से पानी डालना है, एक भी ब्लॉक बचना नहीं चाहिए। और गाइस अभी आपकी पूरी पूरी वॉल बन चुकी है एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस। और गाइस मैं आपको इसे ट्राई करके भी दिखाया था, जैसे कि मैं यहाँ पे TNT रखा हूँ ऐसे मैं जलाया रहता हूँ, अब देखना गाइस ये पूरी पूरी धरती फट गई लेकिन ये घर आपका नहीं फटा। अब देख सकते हो पूरा का पूरा घर को कुछ भी नहीं हुआ है, ये देख सकते हो वॉल हो कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे आप कितने भी यहाँ पे TNT रख दो गाइस ये बहुत तगड़ी वॉल थी। गाइस चलते थे अपने दूसरे ट्रैक की तरफ।
समझ रहे, अगली टिकट हैकिंग में कुछ यूं होने वाला है कि हमें ना अगर आपको ट्रैप बनाना है अपने घर के एकदम अंदर, कि गाइस ये एकदम पॉइजन वाला ट्रैप होने वाला है, क्योंकि ना अगर आपको आपका दोस्त अंदर घुस जाता है तो उसे पॉइजन लग जाएगा इस ट्रैप से। गाइस ये बहुत तगड़ा होने वाला है, तो उसको देखने के लिए आप गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस। उसको देखने के लिए गाइस कुछ नहीं करना, आपको लाइक भी कर ही देना है। यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा घर बना दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा हमारा नॉर्मल घर जो होता है वैसे, और फिर हमें बीच जो जगह है इसे हमें बराबर तोड़ देना है, एक एक ब्लॉक ही तोड़ना है, और एक एक ब्लॉक तोड़ने के हमें हर जगह पे यहाँ पे डाल देना है पानी। ये थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी, जब हम कारपेट लगाने ना तो ये सारी की सारी मर जा रही हैं, तो इसकी एक और ट्रिक है ताकि सारी की सारी मरे ना। गाइस वो ट्रिक करने के लिए पहले मैं यहाँ पे ना बहुत सारे, पहले तो मैं आपको ऊपर की साइड पर ना यहाँ पे लगा देता हूँ पूरी पूरी कारपेट, और फिर बताता हूँ। अब देखोगे तो ये पूरा पूरा लगभग कवर हो चुके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके अब डाल देना हमें बकेट ऑफ पावर फिश, तो इससे क्या होगा हर जगह फैल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह फैल गई हैं, और ये होने के बाद अब आप यहाँ पे कारपेट लगा सकते हो यहाँ पे। गाइस ये आपको पूरा पूरा ट्रैप बन चुका है। अब जैसे इसके पास जो गए आपको पॉइजन मिल जाएगा, आपको ट्राई करके दिखा सकता हूँ मैं, साइड में आपको पॉइजन का इफेक्ट मिल जाएगा, और ये पॉइजन का इफेक्ट गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन का इफेक्ट है, ऐसा वैसा इफेक्ट भी नहीं है ये, आप देख सकते हो। और गाइस ये बहुत जल्दी मार भी देता है आपके, अगर कोई दोस्त भी आता है गाइस वही मर जाएगा, और कोई ज़ॉम्बी आएगा वो भी मर जाएगा। तो चलते हैं मैं अगले ट्रैप की तरफ। हमारा एक अगला ट्रैप होने वाला है, ये ट्रैप तो नहीं पर एक ऐसी चीज़ है जो गाइस बहुत अच्छी चीज़ है, और वो एकदम मस्त वाला टैग डैमेज देती है। तो देखते हैं बनाने के कैसे बनाएंगे उसे हम। तो बनाने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे स्टोन के ब्रिक्स रखने हैं, सिंपली हमें तीन ऐसे करके स्टोन ब्रिक्स रखने हैं, और ये रखने के बाद हमें यहाँ पे रखने ऐसे करके स्टोन के स्टेयर्स, ये रखने के बाद हमें यहाँ पे रखनी है वॉल्स, और वॉल्स रखने के हमें वापस से आना, और यहाँ पे हमें रखनी है स्टेयर्स। अब बस हमें इसे उल्टा करके रखना है। तो गाइस ये करने का हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे रखने हमें सिंपली वॉल्स, सिंपल जो हमारी होती है वॉल्स वही रखनी है हमें, और वॉल्स रखने का हमें इसके ऊपर रख देना है हमें सिंपली, यहाँ पे हमें रख देना है स्नो, और स्नो रखने के बाद यहाँ पे रख देना है पम्पकिन, तो बन जाएगा हमारा ये स्नो गोलम कुछ इस तरीके से। और ये बनने का कहीं बहुत तगड़ा हो जाएगा कि आप देख सकते हो, अब ये ना सबके जो हमारे जॉम्बीज हैं इनके ऊपर अटैक्स करेगा, आप देख सकते हो जो ये हमारा स्नो गोलम है इनसे अटैक करेगा, और ये आपके घर को पूरा का पूरा सेफ रखेगा। बाकी अगर आपके यहाँ पे और सजाना है तो आप और भी सजावट कर सकते हो। हाँ गाइस अब ये हमें सबको डैमेज भी देगा, देख सकते हो मार भी रहा है सबको, अगर इन सबको डैमेज भी मिलेगा। हमारे अगले ट्रैप के बनाने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे रखना है ऐसे करके डिस्पेंसर्स, वो भी हैं पूरे के पूरे 5 डिस्पेंसर्स कोई इस साइड ऐसे डायरेक्शन में, कोई इस तरीके से 5 रखने हैं, जैसे हम आयरन गोलम बनाते हैं वैसे ही हमें रखना है ये। और ये रखने के बाद ये गाइस पहले तो मैं बता दूंगा ये बहुत सिंपल सा होने वाला है, तो इसमें कोई हमें झमेला नहीं करना है, सिंपली हमें 4 ऐसे ब्लॉक रखने हैं, और बीच में हमें रखना है रेडस्टोन डस्ट, और यहाँ पे रखना है एक ऐसे है कि लेवर रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है रेडस्टोन टॉर्च रखने में कोई इस तरीके से, आप देख सकते हो हमें ये फ्लिक कर देना है, बस ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। और ये बनने के बाद हमें सिंपली इसके अंदर डाल देना है एरोज, एरो से फिल करने का सिंपली ये पूरा का पूरा बन गया है, बस आपको यहाँ पे फ्लिक करना है ये, और ये पूरा का पूरा वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस देख सकते हो ये वर्क होना स्टार्ट हो चुका था, बस हमने एक प्रॉब्लम ये हो गई थी, हमने यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च लगा दी थी, हमें ये टॉर्च नहीं लगानी थी, बस ये पूरा का पूरा वर्क होना स्टार्ट हो गया। देख सकते कैसे मार रहा है, कितनी गंदी तरीके से मार रहा है। अब ये देखो गाइस इसके बीच में गाइस एक हमारा चिकन आया, और गाइस ऐसे मौत बेमौत मरा गाइस। ये होने के बाद यहाँ पे शायद ख़त्म हो गए क्या, हाँ गाइस ये ख़त्म हो गए, इस वजह से रुक गया, वरना गाइस गंदी ही तरीके से मारता है, आप देख सकते हो कितनी गंदे तरीके से यहाँ पे इन्हें एरो ही एरो कर दिया गाइस, ये एरो बहुत ज़्यादा दूर तक आए हैं, आप देख सकते हो। चलते थे हमारे अगले ट्रैप की तरफ। अगले ट्रैप को बनाने के हमें सिंपली यहाँ पे वॉल्स बनानी है, जैसे हम सिंपली वॉल्स बनाते हैं वैसे हमें 3 या 4 ब्लॉक की, मैक्सिमम 4 ब्लॉक की बना लेना, अच्छी लगेगी देखने में, बाकी आप 3 ब्लॉक की बना सकते हो। और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप दे के यहाँ ब्लॉक्स लगाने हैं, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिए हैं पूरे के पूरे 5 ब्लॉक का गैप, तो इस तरह 5 ब्लॉक का गैप देना है, इतना काफ़ी। और ये करने का हमें यहाँ पे लगाना है हमारा रेड जो ग्लास होता है वो, और ये करने का हमें यहाँ पे भी लगाना है ये चीज़ सेम इस जगह पे भी लगाना है,
और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया है लगभग। और ये करने के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे लेने हैं बटन्स और यहाँ पे हम ऐसे करके लगा देने हैं बटन्स। बटन लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो ये वाला नीचे ब्लॉक से तोड़ देना है और यहाँ पे रख देना है मैग्मा और बाकी हमें यहाँ पे ये कारपेट लगा देनी है। इस जगह पे भी हमें यही करना है और यहाँ पे हमें कारपेट लगा देनी है। ये करने के बाद आपको पूरा का पूरा बन जाएगा। अब देख सकते हो जैसे मैं इसके पास आऊँगा गाइस ये लेज़र की तरह वर्क करेगा और हमें डैमेज देगा। देख सकते हो जैसे मैं इसके पास हूँ ये हमें लेज़र की तरह वर्क कर रहा है, डैमेज दे रहा है। गाइस हमें कितनी गंदे देखे डैमेज दे रहा है, या मेरी इतनी कम एचपी कर दी। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं डॉपेट डैमेज मिल लग जाएगा, मैं यहाँ मर गया, बस हाफ आटे बचाऊँ और यहाँ पर गया और मर गया। अब तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस ऐसी और ही वीडियोज़ के लिए। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।